आइए ब्रेक के बाद एक बार फिर से हम खबरों की शुरुआत करते हैं। अल्पसंख्यक आयोग के उपाध्यक्ष कुलविंदर सिंह सेठी ने कहा कि अल्पसंख्यकों के विकास के लिए हर संभव कदम उठाए जाएंगे। वे मीडिया से बातचीत कर रहे थे। अपने नगर प्रवास के दौरान उन्होंने कहा कि सीएम से वार्ता कर अल्पसंख्यकों को मिलने वाले सब्सिडी पर चर्चा करेंगे। आने वाले समय में इस बजट को और माननीय मुख्यमंत्री से अनुरोध करके ताकि शिक्षा का प्रचार प्रसार ज्यादा हो सके, जो हमारा उद्देश्य है सभी लोगों को शिक्षित करना, वो बढ़ा देंगे हम लोग बजट को। और चिकित्सा के क्षेत्र में भी हम लोग बजट बढ़ाएंगे ताकि अल्पसंख्यक भाइयों के साथ सारा विकास हो सके और जो 3.25 करोड़ जनता भी साथ में चले, हम लोग मिलजुल के सारे काम को करेंगे। मैंने पहले भी कहा है टोपी और तिलक में कहीं भेदभाव नहीं होगा, 3.25 करोड़ जनता हमारे साथ में है। और जहां तक सवाल होता है कि अल्पसंख्यक थोड़े से हमारे मुस्लिम वर्ग जो पिछड़ा है उसको भी हम लोग मुख्य धारा में लाएंगे और बजट में अधिक से अधिक उसका प्रयोजन करेंगे। क्या लगता है जब इसीलिए सरकार ने जो अपनी एक बॉडी का गठन किया है कि सरकार के जो काम छोटे छोटे जो काम है जहां सरकारें नहीं पहुंच पा रही उसको हम आयोग के माध्यम से करेंगे और जो गंभीर समस्या होगी मुख्यमंत्री जी को तत्काल पहुंचाएंगे, उसका समाधान कैसे आयोग एक कड़ी का काम करेगा सरकार के बीच में और जनता के बीच। पूर्वी बागबेड़ा के उप मुखिया राकेश चौबे पर दर्ज प्राथमिकी और निष्पक्ष जांच की मांग सभी ग्राम पंचायत प्रतिनिधियों ने वरीय अधीक्षक से ज्ञापन सौंप कर मांग की है। बागबेड़ा थाना अंतर्गत गाड़ाबासा स्थित हनुमान मंदिर कैंपस में कौशल मंडल मकान उन्हें किराया में दिया गया था, मकान को कब्जा करके रखे हुए हैं। वहां के स्थानीय लोग और पंचायत प्रतिनिधि पंचायत करके उन्हें मकान को खाली करने के लिए बोला गया, तो पूर्वी बागबेड़ा पंचायत के उप मुखिया राकेश जोपे के ऊपर कौशल मंडल की पत्नी बेबी देवी छेड़खानी का झूठा मामला दर्ज करवा दी है। इसी संदर्भ में हम लोग बागबेड़ा क्षेत्र के तमाम पंचायत प्रतिनिधि एसएसपी साहब से मिलने आए हैं। बिष्टुपुर स्थित विश्वजीत मणि मेला में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी रविन्द्र जयंती के मौके पर बच्चों के लिए विभिन्न प्रतियोगिताओं का आयोजन हुआ। बिष्टुपुर विश्वजीत मणि मेला में रविन्द्र जयंती के मौके पर बच्चों के लिए चित्रांकन, वाद विवाद, निबंध आदि प्रतियोगिता का आयोजन हुआ। प्रतियोगिता में 200 से ज्यादा बच्चों ने भाग लिया। इस मौके पर अच्छे नंबरों से उत्तीर्ण होने वाले बच्चों को भी पुरस्कृत कर उनका हौसला बढ़ाया गया। आयुष महानंद, अभिभावकों से अनुरोध, आयुष शाह, तालियां बजाएं, इतने अच्छे मार्क्स और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिवॉर्ड एंड कवि गुरु रविंद्रनाथ टैगोर की जयंती का आयोजन किया गया। विश्वजीत मणि मेला एक बहुचर्चित बाल संस्था है जहां पूरे वर्ष बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए कार्य किया जाता है। खेलकूद के अलावा रचनात्मकता को बढ़ावा देने के उद्देश्य से समय समय पर रविंद्र जयंती एवं चित्रांकन, कला प्रतियोगिता, निबंध प्रतियोगिता, वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। आज रविंद्र जयंती के अवसर पर इस कार्यक्रम में हमारे बीच हमारे मुख्य अतिथि टीएमएल ड्राई बैंक के सीईओ श्री एम संपत कुमार उपस्थित थे। इस अवसर पर विजयी प्रतियोगियों को जिन्होंने विभिन्न अपने पढ़ाई लिखाई में अपने अच्छे ग्रेड जिन्हें मिले हैं उन्हें पुरस्कृत किया गया। स्वर्ण वर्णिक समाज द्वारा श्री हरि हरि कुलदेवी की पूजा अर्चना का आयोजन किया गया जिसमें बड़ी संख्या में भक्तों ने भाग लिया। वहीं दूसरी ओर न्यू फार्म एरिया में भी माँ दुर्गा की पूजा अर्चना की गई और भक्तों के बीच भोग का वितरण किया गया। नमः
ब्रेक के बाद अगली खबर है। हुसैनी मिशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा एमजीएम अस्पताल में मरीजों के बीच फल एवं खाद्य पदार्थों का वितरण किया गया। शबे बारात के मौके पर हुसैनी मिशन वेलफेयर सोसाइटी द्वारा हर वर्ष की भांति गरीब मरीजों के बीच खाद्य पदार्थ एवं फलों का वितरण किया गया, साथ ही उनके बेहतर स्वास्थ्य के लिए दुआ भी की गई। हेलो, हम चलते हैं ना, पाँच पाँच इस तरह का काम किया करता है। उसी उसमें आज हम लोग ने सोचा कि अस्पताल में जाकर मरीजों के बीच फल का वितरण किया जाए। मैसेज क्या देना चाहते हैं? मैसेज देना चाहते हैं कि ये मिशन इसी तरीके से हर जगह इस तरह का गरीबों के बीच में ये काम करता रहता है। और अस्पताल हो, इसके पहले ओल्ड एज होम में भी हम लोगों ने किया, और जैसे जैसे मौका आता है जिस चीज़ का वैसा हम लोग हुसैनी मिशन सोसाइटी की तरफ से काम होता है। झारखंड स्टेट जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप के महिला वर्ग का खिताब धनबाद और पुरुष वर्ग का खिताब झारखंड पुलिस की टीम ने अपने नाम करते हुए चमचमाती ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। स्थानीय जीआरडी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित 17वां झारखंड स्टेट जूनियर बास्केटबॉल चैंपियनशिप में राज्य की 14 टीमों ने महिला और पुरुष वर्गों में भाग लिया। महिला वर्ग के फाइनल में धनबाद की टीम ने बोकारो को हराया, जबकि पुरुष वर्ग में टाटा स्टील और झारखंड पुलिस के बीच फाइनल मुकाबला हुआ, जिसमें झारखंड पुलिस की टीम विजयी रही। इस मौके पर सिटी एसपी प्रशांत आनंद मुख्य अतिथि के तौर पर मौजूद थे। उन्होंने खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया। आप ये इसमें चीज सुनना चाहते हैं? आज हमारे साथ आज टाटा स्टील एथलेटिक एकेडमी, आज हमारे साथ हैं प्रदीप मुखर्जी ज्वाइंट से। निवेदन है अनिकेत मिथानी जी से, अब टाटा स्टील ट्रेनिंग सेंटर वहां के लंबे होते पुरस्कृत कर रहे हैं आज के हमारे गेस्ट परफॉर्मर और प्रेसिडेंट झारखंड स्टेट। वो अपने पास किताब रखने में सफल रहे हैं। स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में आयोजित समर कैंप में बच्चे बढ़ चढ़ कर भाग ले रहे हैं। 30 से ज्यादा स्पर्धाओं में बच्चों को ट्रेनिंग दी जा रही है। कैंप के समापन पर अच्छा प्रदर्शन करने वाले बच्चों के साथ साथ अभिभावकों को भी पुरस्कृत किया जाएगा। समर कैंप 10 तारीख से शुरू हो रहा है, फॉर्मल इनॉग्रेशन कल है। करीबन 19 स्पोर्टिंग एक्टिविटीज यहाँ हो रही हैं,
2500 के ऊपर बच्चे रजिस्टर हुए हैं अलग अलग डिसिप्लिन में, क्रिकेट से लेके कराटे तक सारे स्पोर्ट्स इसमें हैं।